class now we're discussing about question number 6 now uh, of the page number 154 of chapter 7 and 7.4 exercise chapter fraction now let's start question number 6 the following fraction represents just 3 different number separate them into 3 groups of equivalent fraction by changing each one to its simplest form okay तो क्या करना चाहिए ये तीन सेपरेट फॉर्म में डिफरेंट uh, करना चाहिए और डिफरेंट करके क्या होगा और बाय चेंजिंग ईच वन ऑफ इट्स सिंपलियस्ट फॉर्म सिंपलियस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद में ओके okay? तो देखो फर्स्ट कैसे चेंज होगा ये इक्विवेलेंट टू वन अपॉइंट सिक्स ओके दिस इज थ्री अपॉइंट फिफ्टीन मतलब वन अपॉइंट फाइव ये टू अइंट ट्वेंटी फाइव दिस इज सिक्सटीन तो फोर से कट होगा फोर फोर जै सिक्सटीन फोर ट्वेंटी फाइव जा टेन वन पॉइंट सिक्स फिफ्टीन वन पॉइंट फाइव ओके ट्वेल्व दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट फाइव ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी दिस इज सिक्सटीन वन अपॉइंट सिक्स सिक्सटीन सिक्स 12 नाइन्टी सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व मेनी टाइम्स ऑफ सेवेंटी फाइव ट्वेल्व फोर अपॉइंट ट्वेंटी फाइव थ्री से कट करो थ्री फोर जा ट्वेल्व और थ्री ट्वेंटी फाइव जा सेवेंटी फाइव ट्वेल्व सेवेंटी फाइव ट्वेल्व सिक्स जा सेवेंटी टू तो ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व ट्वेल्व सिक्स जा सेवेंटी टू सिंपलेस्ट फॉर्म वन अपॉइंट सिक्स मतलब वन अपॉइंट थ्री वन जा थ्री थ्री सिक्स जा एटीन फोर अपॉइंट ट्वेंटी फाइव ये तो हो ही रहा तो किसके साथ किसका मैच होगा वन अपॉइंट सिक्स पहले देखो थ्री ग्रुप होगा पहली ग्रुप में आएगा ए तो आप तो अभी डिफ्रेंट कर सकते हो ए वन पॉइंट सिक्स जहाँ पर है ई ए ई एच जे के एच जे के ए ई एच जे के ए ई एच जे के ये आ गया फर्स्ट ग्रुप में सेकेंड ग्रुप में क्या आएगा वन पॉइंट फाइव तो ये वन पॉइंट फाइव वन अपॉइंट फाइव आ गया दूसरे वन अपॉइंट फाइव ये बी एफ जी बी एफ जी बी एफ जी ओके वन अपॉइंट फाइव तो टू अपॉइंट ट्वेंटी फाइव है इधर फोर से काट करो इसको फोर टू से काट कर टू फोर ये मिस्टेक हो गया था तो फोर ट्वेंटी ग्रुप सी डी सी डी आई सी डी आई एल सी डी आई एल सी डी आई एल अंडरस्टैंड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स आफ्टर दैट ये क्वेश्चन नंबर सेवन फाइंड द आंसर ऑफ द टू आंसर टू द फॉलोइंग्स राइट एंड इंडी इंडिकेट्स हाउ यू सॉल्व दम इज फाइव अपन नाइन इक्वल टू दिस तो आपको क्या करना चाहिए ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो ट्वेंटी फाइव आया और ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्ली नाइन फोर जा थर्टी सिक्स आया तो ये लेस देन हो जाएगा तो क्या आंसर इज This is this and this not equal. Thus, 5 upon 9 and 7 upon uh, 4 upon 5 is not equal. Understood? I say, you have find Okay, student, today's class is end. Next day, we will meet again in another class. Thank you. Bye.